हेलो नमस्कार, मैं मनीकेश, योर लिविंग स्टाइल आर्किटेक्ट। आज मैं जिस साइड पे आया हूँ, ये गोधरा के पास में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेरा करके एक तालुका है जहाँ पे है। यहाँ पे ये मेरे पीछे करीब 15-20 साल पुरानी एक बंगला है, एक घर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। ये हमारे सुरेश विश्वानी, पंकज विश्वानी करके जो क्लाइंट है, दो ब्रदर हैं जो यहाँ शेरा के लोकल बिजनेसमैन है, उनका है। इन्होंने आज से हमें कुछ 6 महीने पहले अप्रोच किया था, जिन्हें हमारी डिज़ाइन पसंद आई थी, हमारे ऑनलाइन देखे थे इन्होंने, उन्हें हमारे डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे थे। फिर उन्होंने हमारी टीम को कॉन्टेक्ट किया और हमें अप्रोच किया कि हमें हमारा जो शेरा है, जहाँ पर मेरा पुराना घर है, जिसे मुझे आज के टाइम के हिसाब से डिज़ाइन करना है और थोड़ा मॉडर्न लुक में, और उसे एक ग्लैमर और रिच लुक क्रिएट करना है। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट उनके साथ में लिया और इनके साथ डिज़ाइन डिस्कस किया शहर के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, और इसे हमने एक मॉडर्न लुक में कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे कन्वर्ट करें और एक बंगलों का जो रिच लुक होता है वो दें। इस वक्त ये काम चालू है, फिलहाल ये वर्किंग प्रोग्रेस है, और आप कह सकते हो कि यहाँ का 80% काम हो चुका है, कुछ 20% काम बचे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इस वक्त हमारा क्या क्या काम चालू है यहाँ पे। अब ये आप देख रहे हो कि ये इस घर का कंपाउंड वॉल है जो पुराना था, जिससे हमने फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, हमने पुराने वॉल ही थे इनके कंपाउंड वॉल, जिसे हमने पूरी तरह से डिसमेंटल करके नया नहीं किया, सिर्फ उसे हमने मॉडिफिकेशन करके लुक दिया है। ये आप देखिए, जिसे हमने स्टोन क्रिएट किया है पूरा का पूरा, स्टोन के पिलर्स, बाकी वॉल्स पे भी स्टोन के पिलर्स दिख रहे हैं। ये हमारा जो है वो मेन डोर है, यानी कि पार्किंग के लिए, जो अभी इसे कलर करना, फिनिश करना बाकी है, जहाँ से हमारी गाड़ियाँ अंदर जाने के लिए हमने दिया है स्पेस। और यहाँ से हमारा एक डोर अभी आएगा मेटल का, जो हमारे लिए अंदर, हम यहाँ से बंगले में आएंगे। ये फ्लेक्स स्टोन है, बहुत ही नेचुरल स्टोन, फ्लेक्स स्टोन से हमने ये पूरे वॉल्स को बनाए और अंदर भी क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर लाइटिंग्स इफेक्ट देंगे, चीज़ें देंगे, ताकि और शाम के टाइम में एक जो इफेक्ट है वो दिखे हमारा लाइट्स पे। उसके बाद जब यहाँ से एंटर करते हैं तो ये कोर्टयार्ड एरिया है हमारा, जहाँ पे अभी सामने जो वॉल दिख रही है आपको, ये रेड ब्रिक्स की वॉल हमने क्रिएट की है, सो क्लासिकल और एक कंटेम्प्रेरी लुक में, जिसके ऊपर में हमारा जो ये घर है उसका जो नेम है या डिस्प्ले है वो आएगा, और शायद नीचे हम कुछ प्लांटिंग या फिर फाउंटेन भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ नीचे उसके, या तो हम फाउंटेन्स डिज़ाइन करें या फिर प्लांटिंग डिज़ाइन करें। सो उस चीज़ के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। अब ये है यहाँ पे ऑलरेडी इस घर में जो ये ऑफसेट था, यानी कि ये विंडो वॉल्स प्लस ये माइनस, जो ऑफसेट बोलते हैं हम, वो ऑफसेट हमें मिला था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मेरे लिए ईजी हो गया, आसान हो गया, कि हमने पूरा ये जो हाइट है, डबल हाइट, ऑलमोस्ट 20-21 फीट की हाइट आती है, जिसपे हमने फ्लैक्स स्टोन्स लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दिख रहा है इसका देखने में, जिसकी वजह से इस जो घर का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। जब ये घर तैयार होगा, इसका एक्सटीरियर, जब लाइटिंग इफेक्ट्स बढ़ेंगे इसके, आएंगे चीज़ें, तो वो आपको दिखेगा कि ये लाइट्स पे ये इफेक्ट कितना खूबसूरत दिखता है, और ख़ास करके इवनिंग के टाइम में या नाइट के टाइम में जो ये एक इफेक्ट है इस घर का, वो जब आप पुराने घर और मैं नए घर दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आपको खुद दिख जाएगा। तो ये फ्लेक्स स्टोन में क्रिएट किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये पॉर्च एरिया है जो ऑलरेडी बना हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको पहले, ये पूरा पॉर्च जाता है, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के जो पॉर्च हैं, जिसे हमने लाइव बालकनी में डिज़ाइन किया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, जहाँ पर हमने बहुत ही लाइव एटमोसफेयर क्रिएट किया है कि आप इवनिंग में वहाँ बैठो, एन्जॉय करो। सेम नीचे वाले पॉर्च के साथ में ये वाला जो एरिया है, जिसे हमने एक्सटेंड करके एक अलग सा वेस्टिब्यूल क्रिएट किया, कि डायरेक्ट हमारा लिविंग रूम ना हो के हमने पहले एक वेस्टिब्यूल दिया, फिर हमने लिविंग रूम दिया है, तो इसके लिए हमने ये पॉर्च को आगे बढ़ाया और यहाँ पे ये क्रिएट किया है। लाइटिंग्स हम एक्सटीरियर लाइटिंग बहुत तरह के यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि अप एंड थ्रो लाइट्स हैं जो इन वॉल्स पर आएंगे, फिर बालकनीज के अंदर में सारे हमारे, जैसे बताया मैंने, मेटल CNC है वो इस वक्त आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के शॉर्ट्स में, आपको लगा देता हूँ, जो आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा,
कि हमने ब्लैक मेटल्स के सीएनसीज को बनवाए हैं जो हर एक बालकनी में एल शेप में और ऊपर में भी एक पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से और जो हमारा बंगला का इफेक्ट है बाहर से वो कहीं ना कहीं एक रिच क्रिएट करेगा और एक इफेक्ट क्रिएट करेगा नए लुक के साथ में। कंपाउंड वॉल जितने भी अंदर हैं, जिसके वॉल्स के ऊपर में हमने बहुत सारे लाइट्स यूज़ किए हुए हैं, अभी थोड़ा यहाँ पे मैशेज हैं, चीज़ें रखी हुई है, ऑनगोइंग वर्क है, तो ये सभी जगह पे हमने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जहाँ पे अभी हम सारे कंपाउंड लाइट्स यूज़ करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि अप एंड थ्रो लाइट्स हो गए या जो वॉल लाइट्स हैं हमारे उस तरह की लाइट्स हम डालेंगे यहाँ पे। और बाहर का कलर का काम अभी चालू ही है, जिसे हमने यहाँ पे बाहर कलर किया, और ये जो सामने वाली वॉल है खाली यहाँ पे भी टेक्सचर किए जाएंगे ताकि इसके साथ में जो हमारा फ्लेक्स स्टोन है उसके साथ में हम टेक्सचर के इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा जो एलिवेशन है यानी कि जो फ्रंट है बिल्डिंग का वो कहीं ना कहीं उतना ग्रैंड और एक रिच इफेक्ट में दिखे। बाकी बाहर के सारे साइड में कलर हैं और ये जो एरिया है वो कहीं पूरे बंगलों का एक जो राउंड शेप्स हैं यानी कि वॉकवे है वो क्रिएट करता है, जो हमारा सर्विस एरिया है इस तरह, या आप कह सकते हैं कि हमारा जो बैकयार्ड एरिया है वो एक बैकयार्ड एरिया होते हुए साइड से घूम के इस बंगले में आता है। ये हमारा फॉयर के बाद ये हमारा वेस्टिब्यूल एरिया है जिसे हमने क्रिएट किया है। पहले ये हमारा जो एग्जिस्टिंग घर था वो यहाँ से सीधा लिविंग रूम स्टार्ट होता था, लेकिन फिर बाद में हमने एक वेस्टिब्यूल क्रिएट किया यहाँ पर जहाँ पर हमने दोनों वॉल्स बनाए और साथ में दोनों तरफ हमने ब्यूटीफुली कंसोल डिज़ाइन किया है शुरैक के रूप में, जिस पे हम शुरैक और हमारा वेस्टिब्यूल कंसोल बनाएंगे। दोनों साइड के वॉल को हम बहुत अच्छे से डेकोर करने वाले हैं लाइटिंग के साथ में, जो आपको दिखेगा ये अभी प्रोग्रेस में है हमारा। और बाहर जैसे मैं बता रहा था कि हमने आर्च शेप डिज़ाइन किया हुआ है, और जहाँ पे हमने बाहर की तरफ जो है यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल रेड ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ में ये वेस्टिब्यूल क्रिएट करके थोड़ा इसको क्लासिकल लुक दिया है रॉयल। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा मेन दरवाज़ा आता है वो ये आता है, जहाँ पे अभी हमारी जो स्पेशलाइजेशन है हमारी टीम की, हमारी कंपनी की, जिस पे हम क्रिएटिव डोर्स या डिज़ाइनर डोर्स क्रिएट करते हैं, वो हम यहाँ पे डोर अभी लेने वाले हैं, जिसे आप हमारे आफ्टर प्रोजेक्ट या फिर आगे देखेंगे वो यहाँ पे आएगा। इसके साथ में यहाँ पे दोनों तरफ हमारे सीएनसीस के हम कुछ पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी ऐसी कि ये वेस्टिबल है और हमारा एक वेलकम है घर का, तो इट शुड बी लाइक ग्रैंड होना चाहिए और थोड़ा क्लासिक लुक भी होना चाहिए, जिसे हम रॉयल कह सकते हैं, जिसे हमने रॉयल लुक दिया, बिकॉज यहाँ से जब हमारे गेस्ट आएंगे तो उनको एक रॉयल बंगलो वाला एक फील आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी को हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन करके बढ़े हैं।